क्या आपको मालूम है गांव देहात में वालिदैन अपनी बच्चियों की शादी जल्दी क्यों करते हैं, या फिर उन्हें पढ़ाई के लिए क्यों नहीं भेजा करते, या फिर वालिदैन हमेशा अपनी बच्चियों को घर में ही रहने की सलाह क्यों देते हैं? वो इसलिए नहीं कि बच्चियां बोझ हैं, या फिर उनकी ज़हनी नशोनुमा ठीक नहीं, या फिर लड़कियां बद किरदार होती हैं? ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। लड़कियां तो माँ बाप के दिल का सुकून होती हैं और उनकी इज्जत और आबरू भी होती है। लड़कियां तो अपने माँ बाप के लिए हर चीज करने को गुजरती है, वो कैसे समाज के लिए एक बोझ और बद किरदार लोगों के लिए खिलौना हो सकती है। लेकिन आज के इस दौर में मासूम और नाबालिग लड़कियों को जिंसी ज्यादती का शिकार बनाना एक आम सी बात हो गई है। कितना अफसोस का मकाम है। जी हाँ, आज हम आपको मुजफ्फरनगर जिले के एक गांव की खबर बताते हैं, जहां एक नाबालिग बच्ची अस्मत दरी का निशाना बन गई, जबकि मुलजिम मौके से फरार होने में कामयाब हो गया। बच्ची की अस्मत दरी की खबर घर वालों को मिलने के बाद पुलिस मौके पर पहुंची और बच्ची को जिला अस्पताल में दाखिल कराया गया, जहां इस बात की तस्दीक हो गई कि बच्ची के साथ जिंसी ज्यादती हो गई है। वालिद की जानिब से मुल्जिम के खिलाफ मुकदमा भी दायर किया गया। बताया जा रहा है कि नाबालिग बेटी को जुमेरात की रात इसी गांव के एक नौजवान ने वर्गला कर ज्यादती का निशाना बनाया। मुल्जिम की जल्द गिरफ्तारी के लिए पुलिस टीमें तश्कील दी गई।